मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा ही था फिजिक्स में, जैसे कि आपका पैराबोला हो गया क्वेश्चन थे, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल था। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे? ज्यादा ये मैट्रिक्स से था और कुमार के था, आपके मैट्रिक डिटरमिनेंट से ज्यादा था। और कैलकुलस नहीं पूछा था? अच्छा, लेवल क्या था पेपर का? लेवल थोड़ा टफ था, टफ था थोड़ा सा। तो कितना किए हैं? ज्यादा न्यूमेरिकल से ही था, ज्यादा न्यूमेरिकल से था, और थ्योरेटिकल बहुत कम। और जैसे कि एक क्वेश्चन में जो एक से ज्यादा सही था, वो विकल्प में जैसे दो ठो तीन ठो ऐसे सही था। अच्छा, क्या लगता है कि आपको जितना मतलब पढ़ाया गया उतने से आया था? हाँ सर, आया था लगभग। हाँ, और अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब कि पेपर कैसा था? इजी था कि हार्ड था कि मॉडरेट था? मॉडरेट लेवल का था। हाँ, कितना सही किए? फिजिक्स में तो 34-35 थे। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया गया। कैसा आया रहा मैथ? मैं तो था बढ़िया, लेकिन टाइमिंग टाइम कम पड़ गया, बहुत कम। किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहे थे? अवकलन समाकलन। अच्छा, कैलकुलस ज़्यादा था। और मैट्रिक डिटरमिनेंट? मैटर डिटेल में नहीं ऐसा भी साढ़े नहीं था सर, था लेकिन बहुत कम क्वेश्चन थे। अच्छा, लेवल क्या था पेपर? इजी था मिक्स था? मिक्स था, करने लायक था पेपर? करने लायक था, लेकिन टाइम बहुत कम। पीवाईक्यू से क्वेश्चन थे कुछ? पीवाईक्यू जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे उससे मिलते जुलते थे? मिलते जुलते। कैसा पेपर था? नहीं तो अभी करना था, मिक्स का आसान था। किस टॉपिक ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछे गए थे? सर जो लीनियर इक्वेशन का था उससे ज़्यादा था। और फिजिक्स में बताइए? फिजिक्स में? फिजिक्स में तो सर मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा ही था। मॉडर्न फिजिक्स से? करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा था। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मतलब फिजिक्स का पेपर कैसा था? इजी था? फिजिक्स का मतलब मॉडरेट था, मीडियम में ही था, लेकिन मैथ थोड़ा टफ कर दिया। मैथ थोड़ा टफ क्वेश्चन थे, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। और आपने फिजिक्स में कितने क्वेश्चन सही किए? 30+ किए हैं। 30+ सही रहा। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? ठीक, कैसा आया था? इजी, मॉडरेट, हार्ड? नहीं सर, हिंदी थी, लैंग्वेज बहुत अच्छा। मैथ डोमेन में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया था मैथ में? उसमें जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, इंटीग्रेशन क्वेश्चन, प्लस 5-6 क्वेश्चन आए थे। और आपके फिर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के 4-5 पूछा। एज इट इज? हाँ, एज इट इज क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, बात करूँ ओवरऑल पेपर फिजिक्स कैसा गया था? इजी, मीडियम, हार्ड कैसा? फिजिक्स ठीक था? पहले इजी था। और किस टॉपिक से ज्यादा तो क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स में? फिजिक्स में जैसे कि आपका पैराबोला हो गया, उस टाइप से। मतलब कि न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे गए थे? कितना क्वेश्चन आपने सही किया? लगभग 30 क्वेश्चन। कितने सही हो जाएंगे आपको लग रहा है? 25। आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा गया। फिजिक्स आसान था कि मतलब मैथ? मैथ आसान था। अच्छा, बच्चे तो बोल रहे हैं कि फिजिक्स आसान था। नहीं, मेरी नहीं, मैथ इजी था। फिजिक्स में भी ठीक ही था। फिजिक्स भी ठीक था? फिजिक्स का न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। तो न्यूमेरिकल आपने किया कि थ्योरेटिकल का ज़्यादा पोर्शन किया? दोनों ज़्यादा किया। फिजिक्स में कितना क्वेश्चन आपका सही हो सकता है? मेरा मतलब मैंने जो किया सब सही किया, छोड़ी हूँ ज़्यादा, बट जो भी की सब सही की, 35 की बट सही की फिजिक्स में। हिंदी सबसे बेस्ट गया था सर, आपको पूरा क्लास कर रहे थे हम। मैथ कैसा आया था? ठीक ठाक था, लेकिन पूरा नहीं अटेंड कर पाया। समय कम पड़ गया? हाँ सर, बहुत कम है। कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया होगा? सर टॉपिक तो बहुत था, मतलब उसमें समाकलन ओकलन से था काफ़ी। समाकलन ओकलन ज़्यादा था? अच्छा, और अगर इजी, मीडियम, हार्ड में अगर कंपेयर करें तो ओवरऑल पेपर? सर हार्ड ही मानेंगे। हार्ड ही मानेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन थे कुछ? सर बहुत कम। एनसीईआरटी से पूछा गया? एनसीईआरटी से। पूरा पेपर एनसीईआरटी जैसा था? कोई बाहर का तो नहीं लगा? एनसीईआरटी से बाहर? नहीं सर, एनसीईआरटी बाहर तो नहीं था। हिंदी अच्छा गया? हाँ, हिंदी बहुत अच्छा गया है।